हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट आई एम योर होस्ट ससी लेट स्टार्ट टूडेज डिस्कशन वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट टाइड इज फॉर्म्ड व्हेन द सन एंड द मून बिकम एट ए राइट एंगल टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अगर राइट right एंगल पे हो जाते हैं सन एंड मून दैट मीन्स ऐसे राइट right एंगल पे सन एंड मून राइट एंगल पे होते हैं तो क्या होता है तो ये होता है नीप टाइड आंसर इज बी नीप टाइड होता है ओके okay. और जब स्ट्रेट होते हैं तो स्प्रिंग टाइट होता है राइट right एंगल पे होते हैं तो नीप टाइट होता है ओके okay. महीने में दो बार होता है ये टू थर्ड्स ऑफ द वर्ड्स विल्कसिटी एंड कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन आर लोकेटेड इन विच फॉलोइंग रीजन टू थर्ड वर्ल्ड का वोलन मिल कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन कहाँ पे लोकेटेड है तो ये लोकेटेड है यूरोप में आंसर इज बी ओके द कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट में है तो ये कालाहारी डेजर्ट है अफ्रीका में आंसर इज ए कालाहारी डेजर्ट इज लार्ज सेमी एरिड सैंडी समाना इन साउथ सदर्न अफ्रीका और ये कवर के और कौन कौन सी कंट्री को करता है ये करता है बोत्सवाना देखिए ये के पार्ट को नामीबिया के पार्ट को और साउथ अफ्रीका के पार्ट को भी ये कवर करता है और इसका कुल एरिया कितना है इसका कुल एरिया है नाइन लाख थर्टी नाइन लाख और थर्टी थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आर इम्पैक्ट ऑफ ओशियन करंट्स ओशियन करंट्स का इम्पैक्ट क्या है इनमें से तो ये लोकल क्लाइमेट ये है रेन एंड डिजर्ट फॉर्मेशन भी है फिशिंग ग्राउंडस भी है एंड नेविगेशन भी है ये चार के चारों ही हैं सो द आंसर इज डी ओशन करंट्स आर लार्ज मासिस ऑफ सरफेस वाटर दैट सर्कुलेट इन रेगुलर पैटर्न अराउंड दोशन ओके और ये चार के चारों ही इसका इम्पैक्ट है वॉट डज एन एपी डेंटर ऑफ एंड अर्थक्विक मीन्स एपी सेंटर क्या होता है अर्थक्विक का तो इस ये होता है पॉइंट एट ग्राउंड लेवल डायरेक्टली अब द पॉइंट ऑफ इनिशियल ओके सो द आंसर इज बी जो एपिसेंटर होता है ये रहा आपका एपिसेंटर जो पॉइंट है एट द ग्राउंड लेवल डायरेक्टली एबव द पॉइंट ऑफ इनिशियल रप्चर इनिशियल रप्चर यहाँ होता है और उसके एबव जो पॉइंट है उसको एपिसेंटर कहा जाता है ओके इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डम्पा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड डम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है तो ये सिचुएटेड है मिजोरम में डम्पा टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ़ मिज़ोरम और इसको नोटिफाइड किया गया था 1985 में और टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको मिला था 1994 में ओके इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मिजोरम स्टेट और इसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से कुल एक सत्ताईस किलोमीटर का आइजॉल से दूर है ये द रेल फैक्ट्री इन येल्हेहका बेंगलोरु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग तो रेल फैक्ट्री जो येल्हंका में है बेंगलुरु में है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये रिस्पॉन्सिबल है रेल व्हील के लिए आंसर इज डी द रेल फैक्ट्री इन यलहका बेंगलुरु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रेल व्हील द फैक्ट्री इज ऑल्सो नोन एज व्हील एंड एक्सेल प्लांट ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ दोडक्शन किस प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये रिलेटेड है क्रूड ऑयल से आंसर इज बी द्लैक विच अबंग गल्फ ऑफ कच इज करेक्ट कौन सा करेक्ट है इट हैज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ चार सौ दो फीट बिल्कुल ठीक इसकी मैक्सिमम डेप्थ यही है हाइएस्ट पोटेंशियल ऑफ द हाइएस्ट पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी जनरेशन फाउंड हीयर तो हाइएस्ट पोटेंशियल यहाँ पाया जाता है बिल्कुल ठीक है रुकमावती रिवर ड्रेन इन टू द अरेबियन सी नियर द गल्फ कच ये भी बिल्कुल ठीक है रुकमावती रिवर यहाँ पर ड्रेन होती है इट सेपरेटेड कच्छ एंड काथियावार पेनेंसूला कच्छ और काथियावार पेनेंसूला को सेपरेट करता है ये भी बिल्कुल ठीक है सो द आंसर इज डी वॉट इज द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इन इंडिया इंडिया में इंडस रिवर की लेंथ क्या है तो क्या है इंडस रिवर की लेंथ तो ये लेंथ है सेवन हंड्रेड किलोमीटर आंसर इज ए लेंथ ऑफ इंडस रिवर इन इंडिया इज अबाउट सेवन हंड्रेड किलोमीटर और टोटल लेंथ इसकी क्या है ये तीन हजार एक सौ अस्सी किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ मतलब पाकिस्तान में भी तो है मूगा शिल्क इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इट इज प्रोड्यूस्ड तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये असम में प्रोड्यूस होता है मोगा सिल्क इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड सिल्क जियोग्राफिकी टैग इन स्टेट ऑफ असम द चैनल दैट सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालिको अटॉल इज नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग तो ये इसको कहा जाता है नाइन डिग्री चैनल नाइन डिग्री चैनल लक्षद्वीप आइलैंड को मालिको अटॉल से अलग करता है ये रहा नाइन डिग्री चैनल मुलियाल डैम हैज बीन ए लॉन्ग पेंडिंग इशू बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट तो लॉन्ग पेंडिंग इशू है किसके किसके बीच में ये तमिलनाडु और केरला के बीच में इशू है ओके okay. द इंडियन कोस्टल इज बाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सी और बेस तो इंडियन कोस्टल किससे बाउंड है तो ये बाउंड है छ हजार एक सौ छाछठ मील लॉन्ग नेटवर्क ऑफ कैनाल फीडिंग द लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम इन दर्ल्ड विद मोर देन फाइव मिलियन एकर्स ऑफ एरीगेटेड लैंड इन विच कंट्री इट इज़ लोकेटेड लाल बैरेज छः सौ छः माइल लॉन्ग है और ये फाइव मिलियन एकड़ का इसका एरीगेटेड लैंड है ये लोकेटेड है पाकिस्तान में विच ऑफ़ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज देश वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया तो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इंडिया की पंद्रह से चौंसठ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज फ्रॉम द एज ऑफ फिफ्टीन टू सिक्सटी फोर द एज ऑफ फोरटीन इज लेस दैन द एंड एज ऑफी फाइव एब कंसीडर्ड एज नॉन वर्किंग ग्रुप क्रॉस रिवर गोरलास इन वर्ल्ड आर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली विच टू नेशनस तो क्रॉस रिवर गोरिल कहाँ पे हैं तो ये है कहाँ पे कैमरून एंड नाइजीरिया में आंसर इज ए कुर्द हैव बीन सॉरी कुर्द हैज सेपरेट होमलैंड लिव मेनली इराक एंड ऑफ द फॉलोइंग कुर्द कहाँ पे रहते हैं तो ये इराक इरा टर्की में रहते हैं सो द आंसर इज एस ये एरिया है आपका कुर्द का थर्टी फाइव मिलियन इनकी पॉपुलेशन है विच एमंग फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड इन इंडिया लार्जेस्ट कोल फील्ड इंडिया का है झरिया आंसर इज डी झरिया कोल फील्ड ऑफ़ झारखंड रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कोल रिजर्व ऑफ इंडिया वॉट इज द पोजिशन ऑफ अर्थ वेन इट इज एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होता है तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है टेरीहिलियन जब सबसे दूर होता है दूर होता है तो एपेहिलियन सबसे क्लोजेस्ट होता है तो पेरीहिलियन पैरिलियन ये है तीन जनवरी को होता है पेरी हेलियन चार जुलाई को होता है एफेहिलियन एपोगी क्या होता है जब चंद्रमा और अर्थ सबसे दूर होते हैं और पेरेगी क्या होता है चंद्रमा और अर्थ सबसे नजदीक होते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक पाई वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू